Labour leader Dilip Ghosh recently addressed the upcoming by-elections in West Bengal, emphasizing that the elections will reveal the true sentiments of the people, whether their agitation reflects a desire for change in government. He noted that campaign preparations are complete. Regarding the ongoing agitation related to the Ajigar incident, Ghosh expressed concern that the main issues are being overshadowed by external influences. He suggested that some individuals behind the agitation may have ulterior motives, potentially aiming to protect the current government. Ghosh stressed the importance of ensuring that the efforts of the protesters do not go to waste and highlighted the alarming rise in violence, including rape and murder in West Bengal, as critical issues that need addressing. चुनाव होना है, लड़ाई भी होगा पूरा। यहाँ की सरकार अभी पीछे में है, इसलिए सब मिलकर जोरदार लगना चाहिए, हराना चाहिए। लोगों का मूड भी पता चलेगा, सच में खाली आंदोलन हो रहा है कि सरकार को हटाने का भी प्रयास हो रहा है। मिर्जापुर बाई इलेक्शन में भी हमारा जो पुराना कार्यकर्ता है, जिला के महामंत्री, उसको कैंडिडेट बनाया गया है, तो पूरा जोर शोर से लगेंगे। ऑलरेडी हमारा प्रचार के लिए तैयारी और सारी तैयारी हो चुकी है, अब प्रचार शुरू हो जाएगा। कल 19 किलोमीटर रास्ता में नए विचार डॉक्टर को अनशन अभी तक जारी है। अनशन जारी है, लेकिन अनशन तोड़ना चाहते हैं, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अर्जीगर का मामला क्या हो रहा है, जो मेन इश्यू है वहां से इशू हट के दूसरी तरफ जा रही है। आंदोलन को जो पीछे से चला रहे हैं वो इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, और तरह तरह की बातें जो समझ में आ रही है, कोई जाके सरकार के स्पोक्समैन के साथ बैठ रहे हैं, तो लोगों की संदेह बढ़ रहा है कि अंदर कोई सेटिंग तो नहीं है कि सरकार को बचाव करने के लिए। इसको भी क्लियर करना चाहिए, ये लोगों ने महीनों तक तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, इतना बड़ा आंदोलन किया, जूनियर डॉक्टर जो आंदोलन किया, दूसरे लोग भी सपोर्ट किया, ये बेकार ना जाए, किसी दूसरे लोगों का हाथ पे ना चला जाए और इसका आंदोलन का उद्देश्य ही खत्म ना हो जाए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। 21 तारीख जूनियर डॉक्टर को नवंबर बुलाया गया है, ठीक है, चर्चा तो हो सकता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन खाली अनशन तोड़ने के लिए चर्चा हो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जिस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला, क्या मिला उसमें, ये भी सोचना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल सिस्टम में जीएसटी छाकर दिया, ममता बनर्जी सब क्रेडिट लेंगे। मोदी जी अगर यूक्रेन रशिया का लड़ाई भी बंद कर दें, ममता बनर्जी बोलेंगे कि हमने किया है। उनका ये आदत, करते कुछ नहीं है, सबका श्रेय लेते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। केंद्र सरकार हर चीज को बारीकी से देख रही है, क्या क्या राहत देना चाहिए। सरकार के पास आ रहा है जीएसटी भरपूर, तो जहां जहां सामान्य लोगों का सुविधा हो उसको छूट देना चाहिए। उसी दिशा में बार बार सुधार आ रही है, पिछले बार भी कई बार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। और जीएसटी का कलेक्शन जितना जितना बढ़ रहा है, सरकार सामान्य जनता को उतना राहत दे रही है। रेप मर्डर बंगाल में आम बात हो चुकी है, रोज कहीं ना कहीं होता है, कई जगह एक साथ होता है, ये सुबह उठ के हमको सुनना पड़ता है। इसका राहत होना चाहिए, इतना बड़ा आंदोलन जो है ये अगर बंद नहीं होगा तो आंदोलन बेकार है। चलो, तो चुनाव होना है, लड़ाई भी होगी।